लोकसभा चुनाव का ये छठवां चरण है जिसमें हो रहा है मतदान। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह से ही वीआईपी मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में अपना वोट डाला है। जी हां, तस्वीरें आपके सामने हैं दिग्गजों के मतदान की। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंची। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंची, लेकिन आतिशी ने एक आरोप भी लगा दिया धीमी वोटिंग कराने का, और उन आरोपों पर वोटिंग करने के बाद भी वो कायम नजर आई। जी हाँ, तो बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर ईवीएम की खराबी को लेकर महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि कई जगह पर ईवीएम खराब है और इसी मुद्दे को लेकर वो धरने पर बैठी हैं। ईवीएम में खराबी होने की शिकायत के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पीडीपी के पोलिंग एजेंट्स और नेताओं और कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाया जा रहा है, यानी बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर आरोप महबूबा मुफ्ती के, जिसको लेकर वो धरने पर बैठी हैं। अनंतनाग में उनका यह भी कहना है कि उनके लोगों को, यानी पीडीपी के लोगों को बंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती ये पहले भी मुद्दा उठा चुकी है और अब एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठी है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का, सुनिए। महबूबा मुफ्ती, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस समय यहां अनंतनाग हाईवे पर जो है प्रदर्शन पर बैठी है, क्योंकि उनका आरोप है कि उनके जो वर्कर्स है वो यहाँ डिटेन किए गए कई इलाकों में, उसके चलते आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती हाईवे पर बैठी है और ये एलिगेशन है कि वर्कर्स जो है उन्हें हिरासत में लिया है, उसके चलते ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर उनसे बातचीत की जा रही है और वो वायलेशन नहीं है। मैं क्या सुनूं आपकी बात, आप वहीं से सब सीख के आई हैं। मुझे बताइए, दहलगांव में हमारे लोग बंद, पहलगांव में हमारे लोग बंद, अशोका में हमारे लोग बंद। सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए, आप ही के वोटर्स, बहुत सारे वोटर्स जो जहां वोट डालना चाहेंगे वो डाल रहे हैं। ये कहां जाएंगे? नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है जो थाने में, नहीं ये कोड ऑफ कंडक्ट है इस टाइम जो आप तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वायलेशन कर थाने में जो आप मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे भी अरेस्ट कर लो, मुझे भी बंद करो। और क्या करना चाहते हैं, और क्या करेंगे आप? वोटर हैं आप, अपना वोट, ये जो बंद है वोटर नहीं है मैम, आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो अंदर बंद है वो कहाँ वोट डालेंगे? जो थाने में बंद है वो कहाँ वोट डालेंगे? मैम रुकेश है, आप जो दहलगांव में बंद है, अनंतनाग में बंद है, अशोका में, आप सुन रहे हैं? थोड़ा पीछे चलिए, मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। देखिए महबूबा मुफ्ती से बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि वो यहाँ से हटे। एक्सक्लूसिव आप टीवी 9 पार्ट पर तस्वीरें देख रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट, वो बात कर रही है महबूबा जी को समझाने की कोशिश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 9 पार्ट पर देख रही हैं, महबूबा मुफ्ती यहां पर बैठी है और काफी यहां पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती को जो है यहां से हटाए। ये तस्वीरें हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव, आपने देखा कि किस तरह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके जो वर्कर्स हैं उन्हें हिरासत में लिया है। तो देखिए, इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता जो कि महबूबा मुफ्ती से बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और ये महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं वो भी अपनी शिकायत को ऐसा लग रहा है सामने रख रही हैं, बहुत गुस्से में नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती, धरने पर बैठी हुई हैं। शिकायत की गई है कि उनके तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अब डिमांड क्या है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि हमने देखा तमाम प्रशासनिक अधिकारी महबूबा मुफ्ती को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अपने आरोपों पर पूरी तरह से कायम नजर आ रही हैं। डिमांड क्या कर रही हैं, अभी भी धरना जारी है क्या?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर टीवी 9 ने हालांकि खुद महबूबा मुफ्ती से बात की, जब वो मजिस्ट्रेट से बात करी थी तो उनका आरोप ये है कि जो कारकुनान हैं उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर हिरासत में लिया गया, उसके चलते वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पर बैठी हैं। इस तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं, ये बिल्कुल सामने ये तमाम जो लोग जमा हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग वो महबूबा मुफ्ती को लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बात बनती हुई नहीं दिख रही है। वो आरोप उन्होंने लगाया और टीवी 9 बात वरिष्ठ ने जब पूछा महबूबा मुफ्ती से कि आखिर यहाँ पर बैठकर वो क्या मैसेज देना चाहती है, तो वो ये कह रही है कि वो ये दिखाना चाहती है कि किस तरह हमारे खिलाफ रणनीतियाँ की जा रही हैं और जितने भी उनके वर्कर्स हैं ठीक पोलिंग से पहले एक रात उन्हें हिरासत में लिया है। तो काफ़ी हलचल अनंतनाग राजौरी सीट पर देखने को मिल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है ये, यहाँ पर तमाम दावेदारियाँ जो है वो मजबूत। इरफान इस बीच क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती की बेटी, वो भी सुनने की कोशिश करते हैं। लोगों को बताएंगे कि उनके लिए उनका वोट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर वोट काउंट एंड देयर वॉइस मैटर। ना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए उसका मत बहुत अहमियत रखता है, ये कहती हुई महबूबा मुफ्ती की बेटी, क्योंकि यही आरोप लगाया जा रहा है पीडीपी द्वारा महबूबा मुफ्ती द्वारा कि खराबी आ रही है ईवीएम में। उनका आरोप ये कि रोकने की कोशिश हो रही है मतदान करने से, गंभीर आरोप लगाकर मतदान करने से रोकने के आरोप लगाकर धरने पर बैठी हैं महबूबा मुफ्ती। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। आतिश ने दिल्ली में स्लो वोटिंग का लगाया है आरोप, दिल्ली में स्लो वोटिंग हो रही है ये आरोप दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में, खास तौर पर उनका ये कहना था, ये आरोप है उनका कि वो इलाके जो गढ़ हैं गठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के, खास तौर पर वहाँ पर स्लो वोटिंग हो रही है, ये गंभीर आरोप दिल्ली की मंत्री आतिशी द्वारा लगाया गया है। क्या उन्होंने कहा सुनिए। देखिए हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी, और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप हैं और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी गंभीर आरोप लगा रही हैं और आतिशी के आरोपों पर एलजी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने रोने की आदत बना ली है, ये कहा है एलजी वीके सक्सेना ने। केजरीवाल पर बोले उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जिस हाल में रहना है बस रोते हुए रहना है। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर शायराना अंदाज में तंज कसा है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के इन आरोपों के बाद। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आतिशी अपने आरोपों पर पूरी तरह से कायम नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि उन्हें इस बात की सूचना मिली है कि एलजी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्लो वोटिंग कराई जाए, खास करके उन इलाकों में जो कि स्ट्रांग होल्ड माने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के। आम आदमी पार्टी का आधिकारिक रुख क्या है इस पूरे मसले को लेकर, ऐसे में जब एलजी भी पलटवार कर चुके हैं? जितेंद्र भाटी आपको आवाज मिल रही है? जितेंद्र तक लग रहा है हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर हमारे साथ क्योंकि कई खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से आप जयशंकर जी इन आरोपों को देखते हैं? दो अहम तस्वीरें, अहम खबरें हमने दिखाई, एक तरफ महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठी हुई हैं, शिकायत कर रही हैं, कह रही हैं कि पीडीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, दूसरी तरफ आतिशी स्लो वोटिंग का आरोप लगा रही हैं दिल्ली के अंदर। नहीं समीर, इसके बारे में तो चुनाव आयोग को ही जवाब देना चाहिए मेरे ख्याल से जी, क्योंकि वही कुछ कर सकता है। अब वहाँ
जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है तो यहाँ से हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन आरोप गंभीर हैं और इस तरह के आरोप पहले भी उत्तर प्रदेश में भी लगते रहे हैं कई बार कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया, वहाँ वोट देने के लिए बूथ पर जाने के लिए रोका गया, इस तरह की शिकायतें थी। तो चुनाव आयोग को इस पर इंश्योर करना चाहिए। दूसरा, अन्य जगहों से भी ये शिकायतें आती हैं कि मतदान की प्रक्रिया बहुत स्लो चल रही है, खासतौर से वहाँ पर जहाँ पे विपक्ष के वोट ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि ये तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, कहीं पर भी मशीन की कुछ गड़बड़ी हो सकती है या जो कुछ मतदान कर्मी हैं वो थोड़ा लेजी ढंग से काम कर सकते हैं, इस तरह की शिकायतें लेकिन मिलनी नहीं चाहिए। ये किसी पर लंबी कतार लगे और वोट पड़ने में बाधा पड़े, इसको इंश्योर करना चाहिए चुनाव आयोग को कि उसकी मशीनरी ठीक से काम करे। जी, और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये कहा भी गया है कि पूरी तरह से फुल प्रूफ तैयारी की गई है। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं लगातार। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी लेकिन गंभीर आरोप लगा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ये आरोप लगाया और उन्होंने नाम लेकर कहा कि एलजी ऐसा कर रहे हैं, एलजी भी इस पर जवाब दे रहे हैं। तो मतदान के दिन भी हम देख रहे हैं कि जो आमने सामने की वार पलटवार की जो राजनीति है वो आज के दिन भी जारी है उसी तरह से जोर शोर से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और अभी अगर देखें तो मुख्यमंत्री के बाद वो दूसरे नंबर पे आती है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनको ऐसी सूचना मिली है, जानकारी मिली है कि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन का जो है जोर नजर आ रहा है वहाँ पर ये निर्देश दिए गए वहाँ के प्रशासन को, पुलिस को, कि वोटिंग वहाँ पर धीमी गति से कराई जाए जिससे कि वहाँ पर जो है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। अब इस पर जब आरोप लगे हैं तो मुख्यमंत्री ने भी उसको कोई ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि इसकी जाँच जो है इलेक्शन कमीशन करे। अब देखिए बात यह रुकती, इसके बाद जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो आधी रात को, तकरीबन रात को 12:30 बजे इस पर रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि ये आपकी आदत बन गई है कि हर चीज में आप इस तरह के आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए इस तरह की भ्रामक खबरों को फैलाने की, यानी कि चुनाव प्रचार भले ही 2 दिन पहले थम गया है लेकिन यहाँ जो तनातनी है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच साफ तौर पर दिख रही है और आरोप प्रत्यारोप के जरिए बाहर आ रही है। बिल्कुल, तनातनी साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच आमोद राय भी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से ही मौजूद हैं। आमोद, हालांकि एलजी ने यह कहा है कि बात बात पर रोने की आदत बन गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, लेकिन बीजेपी इसे कैसे देख रही है? आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी का रिएक्शन क्या है? देखिए, बीजेपी ने तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि जब भी इस तरह की का मुख्य मुद्दा आता है तो आम आदमी पार्टी हिट एंड रन करने की कोशिश करती है, कोई ऐसा मुद्दा उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है जिससे ये परसेप्शन जाए कि सरकार और उसका तंत्र जो है उसके खिलाफ है। और ये कोई नई बात नहीं है, चुनाव है तो ऐसा चीज़ स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी कर रही है और बीजेपी इस पर हिटबैक भी करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दिल्ली में जो 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, जो 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें बीजेपी को स्कोर करना बेहद ज़रूरी है। बीजेपी इस बात को समझती है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है पिछले 15 दिनों में, लगभग 7 मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री, केंद्र के 9 मंत्री, कुल 24 मंत्री नेताओं का, बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत यहाँ पे सभाएं हुई, रोड शो हुए और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी पूरी ताकत झोंकी हुई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ समीर, लेडी इरविन स्कूल है जो माधवराव सिंधिया रोड पे है और यहाँ पे बहुत शांति प्रिय ढंग से चुनाव चल रहा है, कई लोग वोट डालकर निकल रहे हैं, एक संत भी यहाँ पे वोट डालकर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने वोट डाल दिया? जी जी जी। आप कहाँ, यही बगल में रहते हैं? हाँ, जंतर मंतर रोड पे, छोटा सा आश्रम है। छोटा सा आश्रम है जंतर मंतर रोड पे, क्या मुद्दा चल रहा है दिमाग में वोट डालने से पहले? बहुत दिनों बाद सनातन का गौरव वापस आ रहा है और ये उसी तेजी से वापस, उसी तेजी से बढ़ता रहे, फिर से भारत में सुगुरु बने और उसमें जो भी सहयोगी हों, जो विकास के सहयोग में भी लगे हुए हैं, वो सब विजयी रहें और आगे बढ़ें इसी मान्यता के साथ। इनके एक और सज्जन है जो वोट डाल कर आए हैं, आपने वोट डाल दिया? जी। क्या क्या इशू है आप लोग के दिमाग में? देखिए, ये जो समय चल रहा है वो भारत के लिए एक स्वर्णिम समय है और जिस गति से पिछले 10 साल में भारत में विकास हुआ है और अनेक पैमानों पर हम देखें भारत आज आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है विकसित भारत का, वो सपना पूरा हो
और हमारा देश ऐसे ही प्रगति करे, इन सभी विषयों को लेकर हम लोग। एक महिला भी हैं जो आई लव इंडिया टी शर्ट पहन के आई हैं, वोट डालने की कोशिश किया है आपने, वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डालने हम जा रहे हैं। बेटी का मेरा एक्चुअली यहाँ पोलिंग बूथ है, मेरा थोड़ा आगे है, तो पहले बेटी को डलवा के घर छोड़ूंगी, फिर मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे वोट डालने, तो हम लोग वोट डालने जाएंगे। क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में जिसके आधार पर वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा, दिल्ली शहर की डेवलपमेंट का मुद्दा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, ये मुद्दे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है दे वांट एम्प्लॉयमेंट, उससे आगे बढ़ना है, तो वो मुद्दे। और हमारा ये भी है कि जस्टिस भी हमारा मुद्दा है कि क्या सही है क्या गलत, इसका हमें दिखना चाहिए, हमको दिख रहा है कि क्या गलत हो रहा है क्या है, सही हो रहा है, और सब बाकी सब चीज़ नेचुरल है, सभी लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग वोट डालने के लिए ये सोचेंगे डेवलपमेंट कौन क्या हो रहा है, बस ये सोचेंगे। कुछ और लोग जो वोट डालकर आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो यहाँ पे अभी एक नौ मतदाता है जो पहली बार की एक वोटर है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने पहली बार वोट डाला? जी नहीं, पहली बार का वोट नहीं है, इससे पहले बार भी डाल चुके हैं। लोकसभा में डाला था 2019 में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले आई थिंक ऑलरेडी बहुत अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है न्यू दिल्ली में, तो मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूँगी बहुत हद तक सेंट्रल विस्टा अगर आप देखेंगे या चिल्ड्रंस पार्क बच्चों का बहुत अच्छा तो वर्क चल रहा है। जी हम वो तो अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के जिसको लेकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अपील हम सब की भी यही, टीवी 9 भारतवर्ष की भी यही कि बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलें, अपने घर से जाकर मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। टीएमसी ने भी बड़ा आरोप लगाया है, ईवीएम में बीजेपी का टैग मिला है, कहना है टीएमसी का। बांकुरा में बीजेपी टैग वाली 5 ईवीएम मशीनें मिली हैं। देखिए ये जो तस्वीर है वो जारी की गई है, इस पर रविशंकर दत्ता से और जानकारी लेते हैं। रविशंकर दत्ता, क्या है ये आरोप, किस तरह का ये टैग है, क्या कहा गया है टीएमसी द्वारा? देखिए बांकुरा में एक जगह से 5 ईवीएम ऐसे मिले हैं जहां पे ईवीएम का जो टैग है उसमें एक पार्टी का नाम लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है, तो ये आरोप जो है वो इलेक्शन कमीशन को बताएंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये कहां से ईवीएम आए, कैसे ईवीएम आए, इसको देखना भी ज़रूरी है। तो ये बांकुरा की घटना है और इसके लिए तहकीकात हो रहा है वहाँ पे। बांकुरा में जो अभी तक हुआ है ये एक सनसनी तृणमूल कांग्रेस के अंदर यहाँ पे फैला है, और वो जाके ये कह रहे हैं कि जो ये घटना घटी है ईवीएम को लेके, इसको चेक करना चाहिए और चेक करके इसकी पूरी तरह इसका जांच पड़ताल करके उसको सील करना चाहिए। अगर उसमें वोटिंग होता है वो ईवीएम से, उसमें हेराफेरी हो सकता है, तो वो ईवीएम यूज ना किया जाए, ऐसा माना जा रहा है, मतलब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है रवि, बने रहे आप हमारे साथ। और ये जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं, इस पर आगे क्या अपडेट होती है, क्या अपडेट मिलती है, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कोई चुनौती नहीं है दिल्ली के अंदर, चुनौती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए है, दिल्ली में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी, सुनिए। क्या कांग्रेस और आप दोनों मिलकर चुनाव लड़े हैं, क्या मनोज तिवारी किसी तरह की चुनौती मानते हैं, क्या उनके मन में है कि कुछ चैलेंज है सामने? चुनौती हमारे ऊपर है ही नहीं, चुनौती तो कांग्रेस के ऊपर आ गई, आम आदमी पार्टी के ऊपर आ गई है। टुकड़े टुकड़े हो गई कांग्रेस, अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया, उसके विधायक, उसके नेता, तो चुनौती तो राहुल गांधी जी का डिसीजन वो राहुल गांधी जी के पार्टी के लिए चुनौती बन गया है। अब कांग्रेस रही नहीं, माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस है, और ऐसे में लोग देश के साथ है, देश हित के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वोटिंग से पहले ही कल रात आतिशी ने ट्वीट कर दिया, आरोप लगा दिए कि भाई एलजी के इशारे पे वोटिंग धीमा करने या कम करने की कोशिश की जा रही है, एलजी ने भी हमला बोला, क्या कहेंगे आप चुनाव से एक दिन पहले इस तरह की बात? हम तो वोटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालने में लगे हैं, लेकिन हाँ कहीं कोई वेश बदल के आ जाए, किसी का वोट कोई डाल दे, उसकी तो चेकिंग होनी चाहिए। हमने
ये आपने मनोज तिवारी को सुना। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से देखते हैं, अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें, 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 2019 में इन 58 में से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। एक जमाना होता था जब इन 58 में से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास होती थी, लेकिन 2014 में जो मोदी लहर आई उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 10 सालों के बाद इस समीकरण में कोई फेरबदल देख रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चुनौती वाला चरण है, क्योंकि 58 में से 40 तो उसकी अपनी थी, अगर सहयोगियों को मिला दें तो 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीता है। अब ऐसे में जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इसकी लगभग सभी सीटें, एकाध छोड़ के सभी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन बार बार मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या विपक्षी दलों ने कोई नया ऐसा समीकरण तैयार किया? बिहार जैसे राज्य में जहां जब नीतीश कुमार, यही महीना था एक साल पहले जब वहां पटना में बैठक की बात हुई, उसके बाद 12 को नहीं हो पाई तो 23 जून को पहली बैठक हुई, तो लगा कि हाँ विपक्षी गठजोड़ कुछ करेगा, सामाजिक समीकरण बदलेगा। और तब उस वक्त कहा जाता था कि अगर नीतीश जी उस तरफ चले जाते, जीतन राम मांझी उस तरफ चले जाते तो संकट होता भाजपा के लिए। लेकिन अभी तो बिहार में ही देखें तो अजय समीकरण पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा सीटें घट जाएंगी एनडीए की, बीजेपी की, वो मुझे दिखता नहीं। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वापस आएंगे, ये भी पूछेंगे कि तमाम राज्य जहां पर हो रहा है फिलहाल मतदान, इनमें से कहीं कोई चुनौती, किस राज्य में अगर है कोई चुनौती है तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आप एक अहम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं जिसके बारे में लगातार सुबह से बात हो रही है कि यहां पर और दिग्गज पहुंचने वाले हैं मतदान करने के लिए, तो क्या कुछ वहां हो रहा है, किस तरह से मतदान आगे बढ़ रहा है? देखिए, थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी के बेटे रेहान और जो उनकी बेटी है मिराया, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना वोट दिया है और यहाँ से चले गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी ओर से जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर आएंगी, अपना वोट देंगी। और चूंकि आज उनको वाराणसी जाना है, वहाँ पर एक बड़ा रोड शो है डिम्पल यादव के साथ, तो इसलिए प्रियंका गांधी यहीं से सीधे वाराणसी के लिए निकल जाएंगी, ये जानकारी मिली है। आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल ये पोलिंग स्टेशन है, लुटियंस का ये पोलिंग स्टेशन है, आमतौर पर वोटर टर्नआउट ऐसे पोलिंग स्टेशन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमें भी सुबह से बहुत ज़्यादा मतदाता यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं, इक्के दुक्के ज़रूर आ रहे हैं, हालांकि ये बताया गया है कि 10-15% वोटिंग जो है वो अब तक हो पाई है यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पर आएंगे। चूँकि यहाँ पर सुरक्षा तंत्र भी बहुत ज़्यादा रहता है, कई VIPs इन इलाकों में वोट देते हैं, तो इस लिहाज से भी लोग दोपहर के बाद ही यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो अभी यहाँ पर इंतजार ही किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आए। ठीक है रजनीश, बने रहे आप हमारे साथ स्टूडियो में, तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, राजेश जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपसे पहले अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जिक्र किया बिहार का, और ये देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। उससे पहले दायित्व भी है, ताकत भी है, भारत विश्व का सबसे ज्वलंत सक्रिय प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है, जिस तरह से मतदान हो रहा है वो भी अपने आप में एक मिसाल है और उसकी बात लगातार की जाती है। राजेश जोशी जी, जो समीर भी पूछ रहे थे कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का कहना है कि जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उससे कम होती हुई नहीं दिख रही हैं, बल्कि कुछ और बढ़ ही सकती हैं, चुनौती कहीं नहीं मिल रही है, यानी विपक्ष की तरफ से कोई ऐसी चुनौती सामने नहीं रखी गई है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि यहाँ कुछ कमी हो सकती है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में बहुत आगे थी, हरियाणा की 10 की 10 सीटें, दिल्ली की 7 की 7 सीटें उसको हासिल हुई थी। अब ये कहाँ, इससे आगे कहाँ जाएंगी, इससे आगे नहीं, इससे कम ही हो सकती है, बहुत बार कही जा चुकी है बात। बिहार की बात जहाँ तक उन्होंने कही, तो नीतीश कुमार की अपनी छवि भी देखनी चाहिए, उसका कितना असर पड़ेगा, उनको पलटू राम कहा जाता है, वो जिस तरह से उन्होंने आया राम गया राम की परंपरा को आगे बढ़ाया, उसका कितना असर पड़ेगा
ये मतलब क्या बहुत पॉजिटिव नोट पर ये वोटिंग हो रही है या पलटूराम वाली छवि भी कुछ असर डालेगी, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो पर जो सवाल उठे हैं, एक वो फैक्टर है, ईवीएम मशीन्स पर जो आरोप लगाए हैं कि ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी हो रही है, टैग बीजेपी का आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, ये कोई बताए कि जब भी इस तरह का कोई आरोप लगता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, वो बीजेपी के फेवर में ही क्यों जाता है? कहीं केरला में जब मॉक पोलिंग हुई थी तो उसमें भी बीजेपी के फेवर में गया था, हालांकि बाद में उसमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है कि इस पर हम एब्सोल्यूट जो वोटिंग नंबर है उसको उसमें इंटरवीन करने से मना कर देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि नहीं अपलोड होना चाहिए, आंकड़े बताए जाने चाहिए, तो सिस्टम पर भरोसा लोगों को बढ़ता, कम नहीं होता। तो ये चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं, संस्थाएं हैं, उनको इस वक्त ये मतदाता को भरोसा दिलाना चाहिए कि आपका वोट जो है वो शक के परे है, उस पर उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। ये सिस्टम पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। एक दूसरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं जी। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक ऐड चला रही है जिसमें कांग्रेस का एक आदमी देख कह रहा है कि हम सर्वे कर रहे हैं और उसमें बाकायदा सिख और मुसलमान आइडेंटिफाई करके ये कहा जा रहा है कि मुसलमान के जो घर है उसको स्किप करके सिखों को से कहा जा रहा है आप अपने गाय भैंस इनका एक्सरे करा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कहा है कि आपकी संपत्ति का एक्सरे कराया जाए। और ये अभी तक इंस्टाग्राम पे है, इस पर इलेक्शन कमीशन को कुछ ठीक है इन तमाम शिकायतों पर चुनाव आयोग का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात है। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं राजेश जी, जल्दी से पीयूष पांडे हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या ताजा अपडेट देना चाहेंगे, और दिल्ली में तमाम सीटों पर वोटर्स का रुझान वोटिंग के प्रति कैसा नजर आ रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए यहाँ पर जहाँ मैं निर्माण विहार में हूँ और निर्माण भवन में हूँ, और यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोटिंग कास्ट करने के लिए आएंगे थोड़ी देर में, वो अभी आने वाले हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट भी कर दिया गया है, और आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर कई मंत्रालय हैं, शहरी विकास मंत्रालय भी है जहाँ पर ये बूथ बनाया गया है, और अति विशिष्ट लोग यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। जहाँ तक सवाल रहा कि वोटिंग किस तरह से चल रही है, सुबह जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा अभी तक सामने नहीं आया है। आधिकारिक तौर पर ये चुनाव आयोग की ओर से थोड़ी देर में आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाएगा। वोटिंग थोड़ी धीमी है और इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि लोग ये सोच करके कि आज वोटिंग है और हम आराम से अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि सभी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सुबह ही ज़्यादा भीड़ होगी, और इसी वजह से लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया है कि 8 से 9 बजे या 9 से 10 बजे के बाद वोट कास्ट करने जाएंगे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। और रहा सवाल कि चुनाव आयोग ने बहुत सारे मुद्दों पर अभी जवाब नहीं दिया है, उसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग लगातार चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है, मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं को लेकर के लगा हुआ है, और चुनाव आयोग का ये कहना है कि वो हर एक पहलू पर नज़र रख रहा है, और जो भी शिकायतें उसके सामने आई हैं उन सब पर वो जवाब देगा। तो समीर, थोड़ी देर में यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपना वोट मतदान करने जैसे ही वहां पहुंचते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, होगा जब सोनिया गांधी आपका रुख करेंगे तब जानेंगे ये भी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब दिया है। जो मतदान के लिए खतरा है वो हिरासत में एक आए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सुरक्षित चुनाव के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के यानी PDP के पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर जवाब दिया ये कहते हुए कि जो पोलिंग के लिए खतरा है उन्हें हिरासत में लिया गया है, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, साफ कर दिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। जयशंकर जी, महबूबा मुफ्ती गंभीर आरोप लगा रही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ये जवाब दे रही है कि देखिए वो जो मतदान के लिए खतरा है उनको हमने हिरासत में लिया है, लेकिन वो PDP के पोलिंग एजेंट हैं, ये कह रहा है महबूबा मुफ्ती का। नहीं सुना, सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग चुपचाप है, चुनाव आयोग को रिएक्ट करना चाहिए। जो महबूबा मुफ्ती के जो गंभीर आरोप हैं वो बात ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी जो बांकड़ा वाली बात आई है वो अपने आप में बहुत गंभीर चेतावनी है लोकतंत्र के लिए, कि अगर EVM मशीनों के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का टैग लगा हुआ है ये पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को ध्वस्त करता है। तो इस पर चुनाव आयोग को तो ज़रूर बताना चाहिए आकर के
कि हाँ इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि इस तरह की बातें चूंकि टीवी चैनलों पे दिखाई जा रही हैं, सब जगह हो रहा था, लोगों के मन में भरोसा नहीं बनेगा, उनकी ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं सामने आएगी। और जो धीमा मतदान होने की बात भी आ रही है जगह जगह, देखिए मैं भी गया था अपना मतदान करने के लिए, मैंने मतदान किया वहाँ पर, वहाँ पर भी प्रोसेस बहुत धीमा था, वहाँ पर हालांकि उसमें कोई साजिश जैसी बात हमको नहीं नज़र आई, लेकिन मतदान की प्रक्रिया धीमी थी, ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि देखिए जैसे अभी हमारे मित्र हर्षवर्धन भी कह रहे थे, राजेश बता रहे थे, इन जो 58 सीटों में अधिकतम सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास थी, लेकिन उन परिस्थितियों को आप समझिए, अगर 2019 में पुलवामा और बालाकोट नहीं होता तब ये सीटें कितनी होती, और आज इस देश में न तो बालाकोट है न पुलवामा है न कोई किसी तरह की लहर है, क्योंकि मतदान का परसेंटेज लगातार खास तौर से यूपी और बिहार में गिरते गया है, कभी कहीं उठा नहीं है, इसका मतलब कि कोई लहर नहीं है। और जहां तक मेरी अपनी सूचना है, मेरी जो जानकारी है, मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर सीटें आधी रह जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, मैंने देखा है, बिहार को भी देखा है, उत्तर प्रदेश को भी। जयशंकर जी, जब आप ये कहते हैं कि कोई लहर नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब है आपके हिसाब से कि ना कोई एंटी मोदी वेव नज़र आ रही है ना कोई प्रो मोदी वेव नज़र आ रही है इस बार, ये अलग है? नहीं, जिस तरह से जो क्रिएट किया गया एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि रामलला की मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे 370 हटा दिया, तो इसके पक्ष में जिस तरह की लहर दिखाई देनी चाहिए थी वो लहर नहीं दिखाई दी है। भाजपा को जो भरोसा रहा है, अभी भी भरोसा है, वो 5 किलो के मुफ्त अनाज पर है, या जो लाभार्थी योजना उनकी है उस पर उनका है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है, आरक्षण बचाने की बात है, दोनों में काफी ये हुआ, संघर्ष हुआ है, ठीक है। उस संघर्ष में कौन भारी पड़ता है, मेरे ख्याल से चुनावी नतीजे इसी पर निर्भर करेंगे। बिल्कुल। और देखिए कुछ और खास तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने भी मतदान किया है अब से थोड़ी देर पहले, और वोटिंग के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। Very important election. I'd encourage all the youths to vote to save our constitution and to vote in a way that brings about positive change. Miraya, you are a first-time voter. Yeah. क्या बोलना चाहोगी? क्या मैसेज देना चाहोगी? I think everybody should just come out and vote and don't sit idle. Make a change. और आमोद राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी वोट डालने के लिए पहुंचे, वो हमने तस्वीरें आपको दिखाई। पुनीत शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, चांदनी चौक सीट जहां पर मुकाबला जेपी अग्रवाल और प्रवीण खंडेलवाल के बीच में है। सबसे दिलचस्प बात चांदनी चौक सीट पर इस बार क्या नजर आ रही है पुनीत, और वोटर्स का रुझान वोटिंग के लिए कैसा है? पुनीत, मेरी आवाज मिल रही है इस वक्त? मैं तुर्कमान गेट इलाके में। जी जी बोलिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तुर्कमान गेट इलाके में खड़ा हूं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो वोट देने के लिए आए हुए हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहां पर लोगों का कहना है कि मशीन जो वोटिंग मशीन है ईवीएम, वो पिछले करीब 1.5 से 2 घंटे से खराब है, और यही आरोप लगाकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। बताया जा रहा है कि अभी इंजीनियर्स को भी बुलाया गया। आपसे बातचीत करते हैं, आप कितनी देर से लाइन में खड़े? 2 घंटे हो गए मेरे को यहां पर लगे, शुरू से लगा हूं सुबह से मैं, और यही कह रहे हैं 10 मिनट के अंदर अभी सही हो जाएगी, 10 मिनट के अंदर सही हो जाएगी। हम अपना काम धंधा छोड़ के आए हुए वोटिंग डालने के लिए, मगर एक भी वोट डालने को तैयार नहीं है। लोग गर्मी इतनी हो रही है, लोग बाग पसीनों में परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा गर्मी के। अच्छा आप बताइए क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पर? मशीन बता रहे हैं मशीन खराब हो गई है, मशीन आएगी दूसरी आएगी ये वोट गिरेंगे, तभी वोट गिरेंगे। काफी ज्यादा गर्मी है, और तमाम जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। मैडम ये बताइए आप लोग वोट डालने को क्या दिक्कत आ रही है? मेरे शोहर आए हुए थे 7:00 कुछ मिनट पे, पहले आए 6 बजे, कुछ 6:30 बजे कुछ नहीं हो रहा था, फिर 7 बजे आए, 7 बजे के बाद तो फिर यहाँ 2 घंटे। पुनीत, तो ईवीएम खराब है ये बताया जा रहा है, और ईवीएम सही होगी, दुरुस्त होगी, तभी मतदान कर पाएंगे। पीयूष पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, देखिए एक तरफ ये मतदान केंद्र जहाँ पर ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब होने की वजह से लोगों को और इस गर्मी में जो मतदान करने के लिए पहुंचे तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने। पीयूष के साथ मतदाता भी मौजूद है। जी पीयूष। जी बिल्कुल, मेरे साथ रामलाल जी मौजूद हैं। रामलाल जी वोट डाल चुके हैं, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार के लोकसभा चुनाव से? देखिए लोकसभा के चुनाव में मतदाता बहुत जागरूक समझदार है जी। वो जानता है स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये देश की सुरक्षा समृद्धि और देश के विकास के लिए कौन दल कर सकता है उसके लिए चुनाव होता है जी। और मतदाता का मन है देश को आगे बढ़ाने वाले दल को चुनना,
कौन दल उसकी कसौटी पर खड़ा उतरा है उसको तय करना है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुमेरा, आपने सुना कि रामलाल जी ने क्या कहा, उन्होंने अभी अभी वोट कास्ट किया था, आप मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी, कृपया एक बार दोहरा दें। बिल्कुल बिल्कुल, और पीयूष बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, तमाम तरह की शिकायतों की जो खबरें आ रही थी, अब उस पर चुनाव आयोग का बयान आ गया है, पूरी जांच के बाद ही जवाब दिया जाता है, ये कहा है चुनाव आयोग ने। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि हर शिकायत पर गौर किया जाता है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, क्योंकि कई जगहों से कुछ शिकायतें ईवीएम को लेकर, धीमी वोटिंग को लेकर सामने आई थी। अब चुनाव आयोग का पहला बयान जिसमें कहा गया है कि पूरी जांच के बाद ही जवाब दिया जाता है और हर शिकायत पर गौर जरूर करता है चुनाव आयोग। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, निर्माण भवन से ये तस्वीरें दिल्ली के, जहां पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, इस वक्त अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं दिल्ली के इस पोलिंग बूथ पर। निर्माण भवन में यह पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां पर तमाम मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वोट डालने पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीयूष पांडे, हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, तस्वीरें हमने देखी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट डालने पहुंचे हैं, क्या वहां से आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? समीर, बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं निर्माण भवन, और अभी वोट कास्ट करने के लिए वो अंदर गए हुए हैं। थोड़ी देर में वो वोट कास्ट करके बाहर आ जाएंगे, और मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो वाहन दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी वोट कास्ट करने के लिए अंदर गए हुए हैं। सोनिया गांधी, पहला मौका होगा जब वो लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं और वोट डालने के लिए यहाँ पर अपने बेटे राहुल गांधी के साथ पहुँची हैं, जबकि राहुल गांधी दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड और रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर वो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। थोड़ी ही देर में वो वोट अपना दे करके मतदान केंद्र से बाहर आएंगे। ये अति विशिष्ट बूथ है जहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। बेसिकली ये शहरी विकास मंत्रालय समेत अन्य कई मंत्रालयों का कार्यालय है। और पीयूष, खास बात यह है कि बहुत कुछ बदल गया है इस बार। पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और गांधी परिवार को लेकर यह कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा मौका होगा जब गांधी परिवार भी कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को वोट करेगा, वो पार्टी जिसने सफाया कर दिया दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को। जी बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है कि दिल्ली की सल्तनत से, दिल्ली की हुकूमत से जिस पार्टी ने सफाया कर दिया कांग्रेस का, आज उसी कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व चेयरपर्सन वो लोग पहुंचे हुए निर्माण भवन में, जो बूथ है वहाँ वोट करने के लिए, और आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि निर्माण भवन जो बूथ है वो नई दिल्ली लोकसभा लगती है, और नई दिल्ली जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन आंकड़ों की अगर बात करें समीर, तो आंकड़े ये कहते हैं कि पिछली बार 55% से ज्यादा वोट पूरी दिल्ली में बीजेपी को मिला था, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज को मिला दिया जाए तो भी इस आंकड़े को वो टच नहीं कर पाते। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने 6 कैंडिडेट्स को बदल दिया है। सातों सीटों पर मुकाबला बहुत कांटे का है। यहां पर बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में, पहली बार चुनावी मैदान में है, जबकि सोमनाथ भारती एक एक्सपीरियंस लीडर है। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला, और वोट डालने के लिए खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी अंदर पहुंच चुके हैं। अगले 5 मिनट बाद संभवतः यह भी संभावना जताई जा रही है कि वो लोग बाहर आएंगे और शायद मीडिया से भी बात करें। हालांकि कमी ऐसा होता है कि वोटिंग के दिन ये लोग बात करें, लेकिन बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा है, सबको इंतजार है कि वो वोट डाल के बाहर आएंगे और उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। ये जरूर है कि दिल्ली का मुकाबला बहुत दिलचस्प है, और आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं।